बहुत कम ऐसे कफील या मैडम मिलते हैं जो कि ऐसे पूरा शहर पूरा रियाद कितना छोटा दिख रहा है, मतलब घर वो साइड में वो उधर है। देर में नए ड्राइवर भाई आना चाहते हैं। देर में सभी ड्राइवरों का यही हाल है भाई, 11 बजे यहाँ से छुट्टी मिलेगा, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आज का वीडियो रूम से नहीं शुरू कर रहा हूँ दोस्तों, कहीं और से, क्योंकि मैं आ गया हूँ ये वाले बिल्डिंग में। मैं आप सबको अभी बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ कौन सी बिल्डिंग में आया हूँ, और एकदम लास्ट वाले फ्लोर पे जाना है मुझे। अभी मैं आ गया हूँ ये वाले बिल्डिंग में, इसी बिल्डिंग में एकदम लास्ट वाले फ्लोर पे जाना है, इसी फ्लोर पे मुझे जाना है। और यहाँ से माशाल्लाह सारे व्यू कितना खूबसूरत दिख रहे हैं, और ऊपर से हम लोग जाके अभी देखेंगे कि सबसे लास्ट फ्लोर से नीचे का जो ये सब गाड़ी चल रहा है, जो ये बिल्डिंग है, कितना छोटा दिख रहा है। ये गाड़ी मेरे ख्याल से चींटी की तरह दिखेगा। तो अभी चलते हैं ये वाले बिल्डिंग में, देख सकते हैं कितना ऊपर मैं आया हूँ, सबसे एकदम लास्ट वाले फ्लोर पे। यहाँ से पूरा शहर पूरा रियाद कितना छोटा दिख रहा है, मतलब जितना बड़ा बड़ा घर है, बिल्डिंग है, कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं, और एकदम चींटी की तरह गाड़ियाँ दिख रही हैं यहाँ पे। तो यहाँ से व्यू तो पूरा रियाद दिख रहा है, वो रहा फैसलिया टावर वो, और यहाँ से पूरा रियाद, काफ़ी खूबसूरत व्यू है यहाँ से। अब यहाँ से जाने का टाइम हो गया, और यहाँ पे चार लिफ्ट है, एक दो नहीं, चार, 1 2 3 4। आपको जितने भी नंबर पे जाना है आपको बस यहाँ ही सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा, लिफ्ट के अंदर नहीं। अब जहाँ से भी खुल जाए वहीं हमें जाना है। कौन सा खुल रहा है देखते हैं, ABCD ऐसे करके है ये फ्लोर। और यहाँ से व्यू देखा जाए तो काफ़ी खूबसूरत, वाह, ये है ममलका टावर, इसे किंगडम टावर भी बोलते हैं। तो उसके बराबर में नहीं, लेकिन उसके आधे के ऊपर तो हूँ मैं। और यहाँ से देखने में एकदम पूरा रियाद, मेरा घर वो साइड में वो उधर है, मैं जहाँ रहता हूँ। और यहाँ से इधर अगर जो देखें कितना छोटा छोटा घर दिख रहे हैं, कितना छोटा छोटा, और रोड, ये रहा रोड। अब चलते हैं अपनी ड्यूटी की तरफ भाई, वरना इसी बिल्डिंग में घूम घूम कर पूरा टाइम निकल जाएगा। खुल जा लिफ्ट, जल्दी से खुल जा, एक बार तो खोला लेकिन व्यू देखने के चक्कर में लिफ्ट बंद भी हो गया, दोबारा कब खुलेगा, खुल जा। लिफ्ट के अंदर आ गया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कितना स्पीड में लिफ्ट चल रहा है, मतलब बुर्ज खलीफा के जैसे नहीं स्पीड है, लेकिन फिर भी स्पीड में चल रहा है। कितना स्पीड में गिनती हो रहा है आप लोग समझ सकते हैं, 40 सेकंड के आसपास में 22 फ्लोर से आ गया नीचे। और मैं आ गया अभी उस बिल्डिंग के बाहर, लेकिन हाँ बड़ा स्पीड में चला यार लिफ्ट। इस एरिए में सब ऑफिस वाले बिल्डिंग है, इसी वजह से यहाँ पे पार्किंग नहीं मिलता गाड़ी खड़ा करने के लिए। मैं इस बिल्डिंग से आ रहा हूँ, देख सकते हैं इस बिल्डिंग से, लेकिन यहाँ पे मैं गाड़ी पार्किंग नहीं मिला, वो उधर लास्ट में भी मैं पार्किंग किया हूँ। मैं अपनी धनों को यहाँ पे खड़ा किया हूँ रास्ते में एक साइड में, क्योंकि पार्किंग नहीं मिल रहा था ना इस वजह से। तो अभी आ गया मैं गाड़ी के अंदर, यहाँ पे आया था ऑफिस में, ज़्यादा कुछ काम नहीं था, बस कोई पेपर था जो कि मेरे कफिल का ऑफिस था तो मुझे वहीं पे देना था। तो मैं सोचा आप लोग को भी थोड़ा सा टूर करा दे बिल्डिंग के ऊपर से नीचे का सीन कैसा दिखता है। वैसे काफ़ी बेहतरीन दिख रहा था, आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्योंकि भाई देखो, मैं बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, जब कोई भी चीज़ पहली बार इस तरह से देखने के लिए मिलता है तो काफ़ी खूबसूरत लगता है, फीलिंग भी अच्छा होता है, तो आप लोग समझ सकते हैं। इस ड्रेस में आने का मतलब है ये रात का ड्यूटी, यानी ये हाई क्वालिटी का ड्यूटी पे अभी जा रहा हूँ मर्सिडीज लेकर, जो कि ये देख सकते हैं यहाँ पे खड़ा है। तो अभी गेट पे लगा दिया हूँ, और तो 4 मिनट में निकल रहे हैं ड्यूटी पे, देखते हैं कहाँ जाते हैं और कितनी देर इंतज़ार करना पड़ता है और कब वापस रूम पे आने के लिए मिलता है। अभी मैं निकल रहा हूँ ड्यूटी पे इस गाड़ी को लेकर। अभी मैं आ गया हूँ सहारा मॉल में, ये गेट नंबर 6 है, 6 नंबर गेट है, 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक है। और यहाँ पे जितने गाड़ी पार्किंग है दोस्तों, सब ड्राइवर भाई है अपने अपने गाड़ी में, देख सकते हैं बैठ के मैडम का या कफिल का इंतज़ार कर रहे हैं हर एक गाड़ी में, देख सकते हैं यहाँ भी भाई लोग बैठे हैं। इसी तरह हमें भी इंतज़ार करना पड़ता है, और ये रही अपनी गाड़ी।
भाई सऊदी अरब में सभी ड्राइवरों का यही हाल है भाई। 11 बजे यहाँ से छुट्टी मिलेगा, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, कोई गारंटी नहीं है। नॉर्मली 2-4 घंटा तो हर एक ड्राइवर कर ही लेता है इंतज़ार। बहुत कम ऐसे कफील या मैडम मिलते हैं जो कि बोलते हैं छोड़ के चले जाओ, जब मैं निकलूंगी तो मैं कॉल कर दूंगी आधा घंटा पहले। बहुत कम ऐसे हैं, रेयरली बोले तो 100 में से 2-4 ही ऐसे मिलेंगे। जो भी सऊदी अरब में नए ड्राइवर भाई आना चाहते हैं, नए हैं बिल्कुल भी, एकदम फ्रेश हैं, तो अगर जो हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो उन्हें काफ़ी कुछ जानकारी हमारे चैनल के जरिए मिलेगा। तो अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमें सपोर्ट भी मिलेगा और आपको जानकारी भी मिलेगी। तो आज का वीडियो यहीं पे दोस्तों ख़त्म करते हैं, यहीं पे बैठ के इंतज़ार करते हैं। दोस्तों यहाँ पे कितने घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा ये कुछ बता नहीं सकते, तो देखते हैं 2-4 घंटा बैठ के इंतज़ार करते हैं। तब तक आप लोग को अच्छा लगा हो वीडियो तो कमेंट कीजिए, प्यारा सा लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब।